नमस्कार। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है। साल 2018 में एक लंबी बीमारी से जूझने के बाद अटल जी का निधन हुआ था। उनके स्मारक सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने के लिए कई गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। There at the venue Sadaiv Atal near Vijay Ghat on the second death anniversary of Atal Bihari Vajpayee today. जी हाँ, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है। उन्होंने जीवन और सृजन के मंत्र को सिद्ध किया, वे भारतीय राजनीति के गगन के ध्रुव बन गए। उनकी मान्यता थी कि भारत का विकास उसकी माटी, संस्कृति और परंपराओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। श्रद्धेय अटल जी भारतीय संस्कृति के संवाहक तथा नैतिकता की प्रतिमूर्ति थे। आज करुणा संकट के वक्त उनकी एक कविता बहुत प्रासंगिक है। शत शत आघातों को सहकर भी जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिम गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा। किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के साधनों संसाधनों पर पूरा भरोसा करते हुए हमें अब अटल जी के सपनों को पूरा करना है, उनके सपनों का नया भारत बनाना है। कुछ ही देर में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय हमारे बीच में होंगे। माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी आज की इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए उनका आगमन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है। श्रद्धेय अटल जी का चिंतन था अखंड, समृद्ध, संपन्न और विकसित भारत। वो कहते हैं, स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है। स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। एक नया भारत कि जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो। एक नया संगीत देखो, आज तो कणकण में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत नया भारत बनकर सूर्य की तरह चमक रहा है। जिस दौर की बुनियाद रखी श्रद्धेय अटल जी ने, वह आगे और समृद्ध हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। श्रद्धेय अटल जी, उनके भीतर का जो मौजूद कवि है, उसने उन्हें स्वप्नदर्शी बनाया। उनकी कविताओं की तमाम पंक्तियाँ उनके मिजाज का ही तो प्रतिबिंब है। धैर्य के मामले में अटल जी मैराथन धावक थे। वे केवल युग पुरुष नहीं थे, बल्कि युग प्रवर्तक भी थे। वाणी और कर्म के जादूगर थे। वे चाहते थे कि भारत का विकास उस वृक्ष की भांति हो जो अपनी जड़ों से ऊर्जा ग्रहण कर स्वस्थ रहता है और कोई आंधी या तूफान उसको हिला नहीं पाता।
आज कोरोना संकट के वक्त में भारत ने जिस तरह से इस समस्या को संभाला, ये विश्व के लिए एक मिसाल है। और अटल जी सही कहा करते थे कि आंधी या तूफान भारत को हिला नहीं सकते। उन्होंने जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान को भी जोड़ा, और यही उनकी दूरदर्शिता की ही बात हम कर सकते हैं। ऐसे युग पुरुष हमेशा जिंदा रहते हैं अपने आदर्श त्याग सेवा कार्य से। भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी का एक ही सपना था कि हमारा देश भारत, जो विश्व गुरु की गरिमा रखता है, जहां रामराज्य स्थापित हो, जन जीवन के सत्य में महकता हो, ऐसा भारत मेरा सपना है। श्रद्धेय अटल जी, जब तक जिए निष्काम भावना से जिए, देश के लिए जिए। उनका मानना था कि इस प्राचीन देश में इसकी संस्कृति ने हजारों वर्ष इस तरह के दौर देखे हैं, यह देश आगे बढ़ेगा, देश की अस्मिता जागेगी और उसके आधार पर हम एक शक्तिशाली, सुदृढ़, समृद्धशाली और स्वावलंबी भारत का निर्माण करने में समर्थ होंगे। हिमालय जैसा उन्नत, सागर जैसा गंभीर और गगन जैसा पुनीत व्यक्तित्व, उन्होंने जीवन और सृजन के मंत्र को सिद्ध किया। वे सिद्ध साधक और तपस्वी थे, उन्होंने एक नए युग का निर्माण किया था। अटल जी का दृष्टिपात ही व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकता था। वे बहती नदी जैसे थे जो कभी गतिहीन नहीं होती। वे भारतीय राजनीतिक आकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, जिनकी ज्योति में सद्भाव, प्रेम, स्वदेश भक्ति और निस्वार्थ सेवा की किरणें सदा प्रकाश देती रहेंगी। ऐसे विराट पुरुष को देशवासियों का बार बार नमन। भारतीय संस्कृति के पुरोधा, जिन्होंने अपना सर्वस्व मां भारती के चरणों में अर्पित किया, देश के यशस्वी और दुनिया में अपनी गहरी छाप छोड़ने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, आज जब भारत ने अटल जी को भारत रत्न से नवाजा, पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को गौरवान्वित किया। अटल जी जैसे उदारमना व्यक्तित्व नई पीढ़ी और पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी भी इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए पधार चुके हैं। हम माननीय राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी के आगमन में उनका स्वागत करते हैं। आज के इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए वे पधार चुके हैं। उनके साथ में है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय भी पधार चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला भी उनके साथ में है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, और यहाँ पर हैं श्रद्धेय अटल जी के परिवार के सदस्यगण। उजियारे में, अंधकार में, कलकचार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणित जीत में, दीर्घ हार में,
जीवन के शतिशत आकर्षण अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। माननीय राष्ट्रपति जी सबसे पहले श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि। माननीय राष्ट्रपति जी, पूरी दुनिया को आध्यात्म का संदेश देने वाले विश्व गुरु, भारत के लोकतंत्र के सजग प्रहरी, अनमोल रत्न, संवेदनशील कवि, श्रेष्ठ पत्रकार, प्रखर वक्ता, सर्वप्रिय श्रद्धेय अटल जी, खुशहाल भारत बनाने की शपथ लेकर अभियान, अभिमान, स्वाभिमान और स्नेहशील सत्यम शिवम सुंदरम के प्रतिरूप श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज राष्ट्र आपको शतशत नमन करता है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री एम वेंकैया नायडू जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अब मेरे लिए अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया उठने जैसा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके देहावसान पर कहा था। अटल जी का ओजस्वी, तेजस्वी तथा यशस्वी व्यक्तित्व सदा हम देशवासियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शब्दों से ऐसे श्रद्धांजलि अर्पित की थी और अभी पुष्पांजलि। माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। और अब लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, वे कहते थे, आइए हम सब एक परिश्रमी भारत, पराक्रमी भारत, विजयी भारत के निर्माण में अपना अपना योगदान दें। बाधाओं, विपदाओं, तूफानों, बवंडरों और अवरोधों की परवाह किए बगैर हमें आगे बढ़ना है। और अब अटल जी के परिवार के सदस्यगण, रिस्पेक्टेड नमिता जी, रिस्पेक्टेड नम्रता जी, रिस्पेक्टेड रंजन भट्टाचार्य जी, विपदाओं के बीच भी आगे बढ़ने का संदेश दिया श्रद्धेय अटल जी ने। आज देश जिस आपदा का सामना कर रहा है उसके लिए उनकी पंक्तियां बहुत प्रेरक हैं। सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और अब श्री अजय भाई संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। Oh.
संत रविदास जी का पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, परमात्मा और प्रकृति और जीवात्मा का समन्वय। अब कैसे जीते छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे, रट लागी नाम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, रविदास जी ने जहां पर प्रकृति परमात्मा जीवात्मा की एकात्मा कही, तो उधर संत नरसिंह भगत जी ने भी एक आदर्श मानव के आदर्श भक्त की क्या गुण होनी चाहिए यह व्यक्त किया। व्यक्ति चला जाता है परंतु चरित्र हमेशा जीवित रहता है, चरित्र जीवन आत्मा का पूर्णता है। इसलिए संत नरसिंह भगत के भाव में वैष्णव कैसा हो आदर्श मानव कैसा। वैष्णव जन तो तैने कहिए जे वीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तैने कहिए
संस्थापक राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम अभी संगीत में श्रद्धांजलि दे रहे थे श्रद्धेय अटल जी को। इसके साथ ही ये प्रार्थना सभा संपन्न होती है। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रस्थान करेंगे तब तक आप सभी अपने स्थान पर रहें और सामने की दीर्घा के सभी गणमान्य महानुभाव वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद ही जब माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय राष्ट्रपति जी का यहाँ से जब प्रस्थान करेंगे उसके बाद ही। कृपया तब तक इंतज़ार करें। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय अटल जी के परिवारजनों से बातचीत करते हुए संवेदनाएं, भावनाएं व्यक्त करते हुए माननीय उपराष्ट्रपति जी भी वहां पर उपस्थित हैं। और अब माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है थोड़ी देर इंतज़ार करें, उसके बाद सामने की दीर्घा के महानुभाव पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धेय जी के वो शब्द याद आती है, कविता याद आती है, वो शब्द मन में गूंज जाते हैं। विपदाएं आती हैं तो आए, हम ना रुकेंगे, हम ना रुकेंगे। आघातों की क्या चिंता, हम ना झुकेंगे, हम न झुकेंगे। आंधी लघु लघु दीप बुझाती पर धधकाती है दावानल, कोटि कोटि हृदयों की ज्वाला कौन बुझाएगा किस में बल। प्रलय घनों का वक्ष चीर कर अंधकार को चूर चूर कर ज्वलित चुनौती सा चमका है प्राची के पट पर शुभ दिन कर। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी, आज कहे चाहे कुछ दुनिया कल को बिना झुके न रहेगी, कल को बिना झुके न रहेगी। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं।
The entire nation remembering Atal Bihari Vajpayee ji on his second death anniversary today. Tributes there have just been paid, homage paid to the stalwart leader. We're just seeing these visuals coming live from Sadaiv Atal, the memorial park near Vijayghat, where of course the president has just left from the venue. Now the vice president, but all the leaders there who have gathered to pay their respects to Atal ji. तो आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है और साल 2018 में एक लंबी बीमारी से जूझने के बाद अटल जी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली थी. 93 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ था. आज उनकी पुण्यतिथि पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया सदैव अटल पर. और हमारे संवाददाता अरुण और शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं. शैलेंद्र, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से योगदान रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, गवर्नेंस की बात की जाए या फिर उनके करियर को देखा जाए, उनके व्यक्तित्व को देखा जाए, जिस तरह से मुश्किलों का दौर उन्होंने देखा और धीरे धीरे एक एक मुश्किल पार करते हुए वो आगे बढ़ते रहे, कहीं रुके नहीं, कहीं हार नहीं मानी और आगे बढ़ते ही गए, चाहे उनकी गवर्नमेंट की बात कर ले. आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर तमाम गणमान्य लोगों ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी है. अटल जी के स्मारक सदैव अटल स्मृति स्थल से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे. इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही. आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ.